हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। तो अभी हम आपके लिए लेके आए हैं बॉटनी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट नंबर 2। तो ये क्वेश्चन जो है वो स्टेट जो है हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एग्ज़ाम और सेंट्रल वेयर हाउसिंग का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आप हमारा किसी भी वीडियो का PDF चाहते हैं और कोई भी स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट brainengineers.in पे विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इन सभी का जो है लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। और अगर आपने Part 1 नहीं देखा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर प्लांट एपिडर्मल सेल्स बाय। तो वाटर मॉलिक्यूल्स प्लांट के एपिडर्मल सेल्स में किस प्रोसेस से एंटर होता है? तो वो होता है ऑस्मोसिस से। ओके, ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी बिलीव द बिगनिंग ऑफ द अर्थ ऑन बिगनिंग ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ टुक प्लेस इन दी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो लाइफ की बिगनिंग अर्थ पे, तो कहाँ पे सबसे पहले शुरू हुई थी? तो वो माना जाता है कि शैलो ओशंस में शुरू हुई थी, जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, proteins that cause reactions to proceed more rapidly and lower the energy of activation are called as। तो proteins वो पूछे गए हैं तो जो के जो जो reactions जो है उन्हें rapid करता है और energy activation को slow करता है, तो वो उन्हें वो कौन से proteins होते हैं? तो उन्हें हम enzymes कहते हैं। ओके, ऑप्शन बी। What percent of the total energy received by a plant is converted to chemical energy? तो प्लांट जो है टोटल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो रिसीव करता है फोटोसिंथेसिस से, उसके बाद उसको वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वो कितना परसेंट होता है? दैट इज़ लेस देन 2%। ओके, तो प्लांट लेस देन 2% एनर्जी जो है कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो माइकोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाता है? दैट इज फंगस। ओके, तो माइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंगस। आगे देखते हैं, जीन्स आर एबल टू कंट्रोल ए सेल्स फेट बाय डिटर्मिनिंग द सिंथेसिस ऑफ। तो जीन्स क्या करते हैं? तो जीन्स कंट्रोल करते हैं सेल्स फेट। तो सेल्स के साथ क्या होगा, तो उसका फंक्शन क्या होगा, वो जीन्स के थ्रू कंट्रोल होता है। तो वो कैसे कंट्रोल करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स, और डिफरेंट फंक्शंस के लिए जीन्स जो हैं डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो आगे उसका फंक्शन जो है किसी भी सेल का फंक्शन जो है डिटरमिन करते हैं। नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन आर द ऑल एग्जांपल्स ऑफ। तो ये किसकी एग्जांपल्स हैं? तो ये तीनों हैं स्टीरॉयड्स। ओके, स्टीरॉयड्स। DNA प्रेजेंट इन ए स्ट्रक्चरल जीन दैट डज नॉट सीम टू हैव ए स्पेसिफिक कोडिंग फंक्शन इज नोन एज। तो वो DNA का वो पार्ट जिसका कोई भी फंक्शन नहीं है, जो किसी भी करैक्टर को कंट्रोल नहीं करता, तो उससे हम क्या कहते हैं? तो कोई भी कोडिंग नहीं करता वो, तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? दैट इज इंट्रॉन। ओके, इंट्रॉन। स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स बट लैकिंग इन जेमिनोस्पर्म इज। तो एंजियोस्पर्म में वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लेकिन जेमिनोस्पर्म में प्रेजेंट नहीं है, तो उसके बारे में पूछा गया है, तो इनमें से बताना है हमें, तो वो है ओवरी। ओके, तो ओवरीज एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती हैं, जेमिनोस्पर्म में नहीं। ओके, 10th क्वेश्चन, व्हाट आर द वाटर कंडक्टिंग सेल्स इन नॉन फ्लावरिंग वेस्कुलर प्लांट्स। तो वाटर कंडक्ट कैसे होता है वेस्कुलर प्लांट्स में, तो उसके बारे में पूछा गया है, तो उन्हें उन सेल्स को कहते हैं हम ट्रैकिड्स। ओके, ट्रैकिड्स। तो ट्रैकिड्स से जो है वाटर का फ्लो होता है। तो अभी ये अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और किसी वीडियो के PDF के लिए हमारी वेबसाइट brainengineers.in पे फॉलो विजिट कीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए ड्राई डे वाटर डिफ्यूजेस आउट ऑफ द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द लीफ थ्रू। तो जब एक ड्राई डे होता है तो वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी, तो वाटर वहाँ से जो है प्लांट से जो है रिमूव होता है, डिफ्यूज़ होता है, तो वो किसके थ्रू डिफ्यूज़ होगा? तो वो होगा स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा आर द ओपनिंग्स ऑन लीव्स। ओके, और लीव सरफेस।
तो वहाँ से जो है वाटर रिमूव होगा प्लांट से. नेम द डक्टलेस ग्लैंड विच सेक्रेट देयर प्रोडक्ट इन टू द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो वो डक्टलेस ग्लैंड की बात की गई है जो डायरेक्टली जो है सेक्रेट करता है अपना मटीरियल इन टू द सर्कुलेटरी सिस्टम में. तो उन डक्टलेस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, दैट इज एंडोक्रीन ग्लैंड्स. ओके, एंडोक्रीन ग्लैंड्स. नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स विद इन ए सेल वुड बी एग्जाम्पल ऑफ. तो ऑक्सीडेशन, जब फैट और कार्बोहाइड्रेट्स की ऑक्सीडेशन होती है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म. ओके, कैटाबॉलिज्म. तो कैटाबॉलिज्म इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेक विच हैज हाई न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इज. तो कोई भी लेक, उसके जो वाटर में अगर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो हम उस लेक को क्या कहते हैं, दैट इज यूट्रोफिक लेक. ओके, यूट्रोफिक लेक. तो एक और चीज़ होती है यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन तो उसमें क्या होता है, जो वाटर होता है वाटर में जो है नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो ये हार्मफुल भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, दैट इज बैक्टीरिया. और बैक्टीरिया कौन से आ जाते हैं, जैसे हमारा अजोटोबैक्टर. ओके, एंड देन बैसिलस और भी कई बैक्टीरियाज आ जाते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेसिकल्स फॉर्म्ड वाय द प्रोसेस नोन एज फैगोसाइटोसिस आर नोन कॉल्ड एज. ओके, तो क्या होता है, जो फैगोसाइटोसिस से जो वेसिकल्स बनते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, दैट आर फूड वैक्यूल्स. फूड वैक्यूल्स. ओके, तो जो है वेस्टफुल जो मटेरियल है उस वो रिमूव होता है फैगोसाइटोसिस से. आगे देखते हैं, द लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड एज. तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब एक प्लांट है उसके सरफेस से जब जो है वाटर रिमूव होगा, ओके, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दैट इज ट्रांसपीरेशन. और जब यहाँ पे जो नीचे सॉयल है तो सॉयल से जब वाटर रिमूव होगा सॉयल सरफेस से तो हम उसे कहेंगे एवेपोरेशन. और जो इन दोनों का कंबाइंड होगा प्लांट और सॉयल सरफेस से तो हम उसे कहेंगे एवेपोट्रांसपीरेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लांट विच कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम सीड टू सीड इन ए सिंगल ग्रोइंग सीजन इज नोन एज. तो वो प्लांट्स जो एक ही सीजन में अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं सीड से लेकर सीड तक दोबारा, तो उन प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, दैट आर एनुअल प्लांट्स. ओके, एनुअल प्लांट्स. इन फ्लावर्स द टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्टैमन कंटेनिंग द पोलन सैक इज नोन एज. तो जो फ्लावरिंग फ्लावर होता है हमारा उसमें ये हमारा स्टैमन होता है और स्टैमन के ऊपर एक ऐसा पार्ट होता है. ओके, तो पोलन सैक होती है तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है एंथर. ओके, एंथर. तो ये टोटल जो है हमारा स्टैमन होता है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इन सेल डिवीजन द फेस फॉलोइंग द मेटाफेज इज नोन एज. तो ये ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, तो वहाँ पर हमने पूरा आपको बताया था कि कैसे कैसे फेसेस जो है आते हैं माइटोसिस में. तो मेटाफेस जो है उसके बाद कौन सा फेस आता है, दैट इज़ एनाफेस. तो कैसे आते हैं, पहले इंटरफेस होता है उसके बाद हमारा प्रोफेस आता है, प्रोफेस के बाद मेटाफेस आता है, मेटाफेस के बाद एनाफेस, एनाफेस के बाद टीलोफेस. ओके, तो यहाँ पे हमारी वीडियो का एंड हो रहा है. और अगर हमारी वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए. और अगर किसी वीडियो का आपको PDF चाहिए और कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट brainengineers.in पे विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा आप हमें ब्रेन इंजीनियर्स पे जो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी जो है फॉलो कर सकते हैं. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.